श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चा बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलदान अंजन कोट पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशम आनन कुंडल कुलचित के हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मुंड जनेऊ शंकर सुन विद्यावान गुणे अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखाव बिकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरस सुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समवा सहस बदन तुम रोज सुगावे श्रीपति कंठ सन का दिख ब्रह्मा दि मुनि सा नारद सारद संत जब कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद कहीं सके तुम उपकार सुजी वही की आराम मिलाए राज पद तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्र जो जन परवान लीलों ताई मधुर पलना प्रभु मुक्ति का मिल मुख माही जल दिलाए गया चरज दुर्गम काज जगत के जेते सुग अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तो आज्ञा बिनु पैसा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काम को आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल संसा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पा चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजिया साधु संके तुम रखवारे असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नौ निधि के अस्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को भाव जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट मट जय सब तीरा जो सुन रहे हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई जय कर कोई टूटई बंध महासुसो जो यह पर हनुमान चलिता होय सिद्ध साकी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ दय मडेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप सियावर रामचंद्र की बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की भगवत कृपा से
दत्तात्रेय जी का उपाख्यान आता है, अब तो कोई क्रम से कथा हो नहीं पाएगी, 5 मिनट के अंदर में वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह कर देते हैं पूरा, दन 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 दन। दत्तात्रेय का उपाख्यान आया, 24 गुरुओं से सीखा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु तो एक ही होगा, शिक्षा करोड़ों गुरु से ले सकते हो और बनारस से सीख सकते हो, का गुरु तो हां गुरु, सब गुरु ही महाराज बनारस में, तो फिर तो गुरु महादेव गुरु। रवि किशन आए थे, मैं सुनाया बनारस वाला कि का गुरु तो हां गुरु, वो बहुत हंसे, अरे बनारस में आप बहुत, हम बहुत आनंद लिए बनारस में, बनारसी पान का भी और बनारसी मिश्राम्बू का भी, मिश्राम्बू न पिए तो बनारस काहे को जाए महाराज आदमी, काशी में 2 बजे 3 बजे रात में निकलो, 4 बजे तब भी चकाचक है, ऐसे हमारी मथुरा भी ठीक है, मथुरा भी हमारा वही है, भगवान जहाँ जहाँ हैं वहाँ रात में भी जागरण है, आनंद है, वहाँ के लोग जागृत हैं, कंस लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सोए रहते हैं, बम्बई वाले खुश हो जाएंगे कि हम लोग जगे हुए हैं, भाई आप लोग भी महालक्ष्मी के यहाँ रहते हो तो जगे हुए तो हो ही, बिना जगे थोड़ी काम चलेगा, और लक्ष्मी का वाहन तो फिर रात में ही जगता है महाराज, फिर ये भी बात पक्का है, लक्ष्मी के वाहन तो रात में ही जगते हैं। भगवान की अद्भुत कृपा हुई, 24 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा लिया है, और एक एक करके आप पढ़ लीजिए, भागवत आपके पास है, बस एक वेश्या से शिक्षा लिया, ये भी कमाल की बात है, पिंगला नाम के वेश्या से शिक्षा ले लिया, बताओ दत्तात्रेय जैसे महात्मा निष्णात विद्वान और गुरु किसको बना रहे, बोला वेश्या को, कमाल महाराज, भारतीय धर्म सनातन धर्म की ऊंचाई जरा सोचो इस बात से, यहां व्यक्तियों का महत्व नहीं है, व्यक्ति के भीतर में जो गुण है उनसे ज्यादा मतलब रखा जाता, यहां इंडिविजुअली किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया हमारे शास्त्रों में, लगातार 3 दिन से मैं यही कह रहा हूं, यहां सब चीज लिखे हुए हैं, विश्वामित्र का ये लिखा तो वो भी लिखा है, राम जी का वो लिखा तो वो भी लिखा है, ठाकुर जी का चीरहरण लिखा तो द्रौपदी को चीरदान भी लिखा है, बहुत सारे ऐसे चीज है, द्विध का, द्विध को मारा हमारे बलदाऊ जी ने, इतना बलवान था महाराज रामावतार में कि द्विध अगर चाहता तो अकेले ही लपेट देता पूरा, 10,000 हाथियों का बल रखता था उस समय में, पर द्विध ने सिर्फ एक काम किया, क्या रावण के यहाँ जाकर के रावण के घर में छेड़कानी कर देनी, ठाकुर जी के पास खबर आई, ठाकुर जी ने कहा राम रावण में फिर अंतर ही क्या रह गया, जब हमारे भी सैनिक बहू और बेटियों के साथ छेड़खानी कर देंगे, अरे आधे घंटे में भी युद्ध जिता दे, पर ऐसे दुष्ट को मुझे अपनी सेना में नहीं रखना है, द्विध को निकाल दिया, वो चाहते तो द्विध के साथ युद्ध लड़ सकते थे, पर यही तो अंतर राम और रावण में, हटा दिया, वो द्विध फिर परेशान कर रहा था, अब बलदाऊ जी ने हल निकाल के, रामऊ जी जिसका काम तमाम नहीं किए, तो बलराम जी आए, बोला बेटा हम बलराम हैं, अब तू आ, द्विध ने बहुत प्रकार के उपक्रम किए, गड़बड़ियां की, और फिर बलदाऊ जी ने उठा के जो हल और मूसल दीनी है कि गोविंदाय नमो नमः रामा अवतार का द्विध बलराम जी, बल हम उस बलदाऊ पीठ में बैठे हैं महाराज, हम कम बलवान हैं, बोलो बलदाऊ भगवान की, दाऊ जी महाराज की, दाऊ जी महाराज का ये स्थान सौभरी ऋषि के भूमि से आए हुआ आपका ये बालक, और यहाँ बैठे हुए श्रीमद कल्याण देवाचार्य के सब महाराज वंशज, ये सब मिलकर के भारतवर्ष में सनातन संस्कृति की नई धारा बहा देने में समर्थ हैं, नई धारा बहाना है सनातन संस्कृति का, आप सब कल्याण देवाचार्य के वंशज आनंदित प्रसन्न, बलदाऊ के हल के नीचे आप सब हैं, आपको तुम आपके पास तो हम महाराज पैर भी लगाने आएंगे कि हमारो भी पैर भी दाऊ जी के, हम पांडे जी से ऐसे ही थोड़ी इतना संबंध रखे हुए हैं, तो पांडे जी भी कम थोड़ी हैं, 3-5 कर ही देते हैं कभी कभी, तो हम लेके गए बलदाऊ जी के पास, दाऊ दयाल के रिसीवर हैं भैया, यहाँ पे तो बढ़िया आते रहना है कि बलदाऊ जी की सारी कृपा वहाँ रिसीव कर करके हमारे पास भी देते रहेंगे, हम जहाँ भारतवर्ष में रहेंगे भेजते रहिएगा कृपा को, और ये दिव्याति दिव्य भाव से
पिंगला नाम की बेश्या एक दिन बड़ी महाराज बैठी हुई थी, इंतजार करती थी, कोई आए कोई आए कोई आए, कोई नहीं आता था। संध्या को रोते हुए चली गई, तराम सिना जाकर के अपने कमरे में बिस्तर पे पड़ गई और सोचती थी। सोचते सोचते उस गहरा चिंतन हुआ उसके मन में, ओहो मैं इस शरीर के लिए और दो पैसे के लिए जिन सड़े गले मांस वाले पुरुषों का इंतजार जितनी देर से कर रही हूँ और एक पुरुष ना आया, काश कि इसका एकांश मैं पुरुषोत्तम का इंतजार कर लेती तो पुरुषोत्तम मेरे घर पर चला आता, ठाकुर मेरे घर पर चले आते। अरे भैया देखो, शरीर से कोई अच्छा बुरा नहीं है, विचारों के आते जाते ही मनुष्य में दिव्य परिवर्तन हो सकता है। कभी लोगों की उंगलियां काट काट करके उंगली माल बनने वाला केवल एक बात पर मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, संत बन जाता है। दूसरों को लूट लेने वाले रत्नाकर जी महाराज सप्तर्षियों और नारद जी के चक्कर में पड़ करके उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, एक पल में विचार बदल गया। व्यक्ति खराब नहीं होता, व्यक्ति के भीतर विचारों का परिवर्तन आध्यात्मिक ज्ञान से किया जा सकता है। और ये जो व्यासपीठ है वो इसी का स्रोत है, उसी का साधन है। यहां से निकले एक एक सूत्र व्यक्ति के भीतर में उन दुर्विचारों को कुविचारों को हटाकर उसके विषय में सदविचार और सुंदर विचार भर देते हैं। व्यक्ति देखते देखते ही दत्तात्रेय के चरणों में वो पिंगला समा जाती है, कहां तो बेस्या थी और दुनिया की सबसे बड़ी भक्ता एक मिनट में बन गई। जैसे ही पुरुषोत्तम का महाराज उसके भीतर में भाव आ गया, भाव परिवर्तन का खेल है, भाव और अभाव का खेल है। जीवन में अभाव है तो तरसते रहोगे, और कृष्ण का भाव है तो फिर तुमसे बड़ा कौन है। अभाव में लोग रो रहे हैं और बलदाऊ और कृष्ण के भाव में बैठे हुए कल्याण देवाचार्य के वंशज जय जय कार करके रबड़ी खा करके और आनंद के साथ बलदेव में रह रहे हैं। महाराज कल हमें गोसाई जी ने बताया कि एक बार यहाँ 40-50 कुत्ते आए थे और कुत्ते आकर के और यहाँ रहने लगे। वो कुत्ते भी यहाँ से नहीं गए, उनको किसी ने नौकरी दिया और कहा कि आप बंबई चलिए और बंबई चल करके आपको इतना पैसा देंगे। जैसे ही कहा कि मेरे भीतर में अचानक रुदन हुआ, अरे रे रे रे, मैं क्या इन कुत्तों से भी कमजोर हूँ। ये कुत्ते भी यहाँ जब दाऊ जी की शरण में पड़ गए हैं और इनको रोज रबड़ी मिलती है, फिर तो मैं तो गुसाई हूँ, इंसान हूँ, क्या बलदाऊ जी मेरी हिफाजत नहीं करेंगे। महाराज 80,000-1,00,000 का नौकरी मिल रहा था, छोड़कर बोले हम यहीं रहेंगे। रात में हमको एक गुसाई जी ने कथा सुनाई, हम तो पूरी रात ऐसे ही गुजारते हैं, सोते थोड़े ही हैं। हाँ भाई, बलदाऊ जी में भी आके जो सोए सो खोए। हम तो 11-12 बजे तक हम लोग आनंद करते हैं, संध्या को खूब कीर्तन धमाधम चलता है, खूब बढ़िया यहां पर महाराज लगता है दरबार, और उसके बाद रात भर फिर माधव दत्त जी हैं, फिर कोई गुसाई जी हैं, विभिन्न चर्चाएं चलती रहती हैं दाऊ जी के विषय में। ऐसा लगता है इन 7 दिनों में बलदाऊ जी के, और वो तो भाई अनंत हैं, सहस्त्र अनंत हैं, फिर भी महाराज जितना रस निचोड़ सके निचोड़ के पी के जाएं, महाराज दाऊ जी की कृपा लेके ही जाएंगे यहाँ पर। फिर कब पतो नहीं, कब मौका मिले, कब आवें कब न जावें, ये मौका हम छोड़ें। तो आप सब भी यहीं रह रहे हो, दाऊ जी की कृपा है, नंदलाल आपके हाथ में ही हैं। दाऊ जी से ज़्यादा प्रेम कृष्ण को कोई नहीं किया आज तक। दाऊ जी हर समय जगह पर पहुंच जाते हैं, घड़ी मत देखो नहीं हम घोड़ा मंगवा देंगे।